मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिस पिता की 3 दिन पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसकी बेटी की शादी में एक बाज पक्षी जा पहुंचा। हैरानी की बात यह है कि घर में शादी की सभी रस्मों में भी शामिल रहा और शादी की पंगत में बैठकर भी बाज ने खाना खाया। दरअसल जिले के रजरा गांव में रहने वाले जालम सिंह लोधी की बेटी इमरती की शादी 21 अप्रैल को तय थी। इससे 3 दिन पहले 18 तारीख को एक सड़क दुर्घटना में पिता जालम सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद गांव के लोगों ने बेटी की शादी मंदिर से करने का फैसला लिया। शादी की तैयारियों के बीच एक दिन अचानक बाज पक्षी उड़कर आया और घर के आंगन में आकर बैठ गया। काफी देर तक लोगों ने बाज को उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन उड़ा नहीं। फिर दुल्हन बनने जा रही इमरती की माँ नैना देवी ने पक्षी को दूध भी पिलाया। इसके बाद तो पक्षी घर वालों से पूरी तरह हिल मिल गया। यही नहीं, घर वाले जब शादी के लिए मंदिर की ओर निकले तो उनके कंधों पर बैठकर बाज भी निकल पड़ा। शादी की रस्मों के बीच बाज हर पल मौजूद रहा। इसके बाद स्टेज पर बरमाला के समय दुल्हन के सिर पर जाकर बैठ गया। घर के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद दिवंगत पिता बाज पक्षी के रूप में आए और अपनी बिटिया को आशीर्वाद दिया। हालांकि सौगन टीवी इस तरह के दावों का पक्षधर नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।